हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल आइडियल इन्वेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बल्क में ग्रो बैग बनाने का तरीका। ये इतना आसान तरीका बताएंगे, आप घर पे बहुत आसानी से जो है ग्रो बैग ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं और किसी भी साइज में बना सकते हैं। आज हम जो है ये देखिए, बाजार में आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, ये रिजेक्ट माल है ग्रो बैग का। ये मुझे 200 रुपए मिल गया है, जिसको 15x15 का ये पूरा पीस है और इसकी चौड़ाई जो है हम आपको नाप के बता रहे हैं, करीब 11 फीट। ये देखिए 5-5 फीट दो दफ़े नाप करके 11 फीट 10 इंच के लमसम है। इसको हम 12 इंच के लमसम काट रहे हैं, जिसमें तैयार हमारा 11 इंच हो जाएगा और इसी को जो है 12 इंच गमला बोलते हैं। देखिए 12 इंच के जो है चौड़ाई निशान लगा करके इसको बराबर से हम जो है आपको ये तरीका बता रहे हैं कैसे जो है बड़े में आपको काटना है। इसी तरीके हम निशान लगा करके इसको आपस में जो है एकदम सही सीधा कर लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको पहले जो है लेवल में कर लेंगे पूरा, क्योंकि पूरा थान है, बड़ा है ये कपड़ा जो है, काफ़ी बड़े में है, इसलिए जो है इसको बहुत सावधानी से काटना है। और पहले इसको बिठाल करके अब इसको हम जो है कटिंग से देखिए सीधा इधर काटते चले आ रहे हैं, और काटते समय ये ध्यान रहे कि इधर उधर खिसकने ना पाए, उसको अपना आसानी से काट लें। अब ये देखिए जो है पूरी तरीके से बैठाल करके आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से अपना जो है काट लीजिए। अब इसको हम जो है फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक मर्तबा फोल्ड हो गया, एक मर्तबा और कर देंगे तो एक पीस में मेरे जो है 4 पीस निकल रहे हैं। साइज आपके ऊपर है, आप कितना चौड़ा बनाना चाहते हैं, कितना लंबा बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, उसी हिसाब से नाप करके काट लीजिए। ये तो मैं इस हिसाब से निकाल रहा हूँ कि जितना कपड़ा है उसी हिसाब से जो उसमें निकालना है उसी हिसाब से साइज बनाया है, क्योंकि मुझे बेचना तो है नहीं, जो है अपने हिसाब से जैसे 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 पौधे हैं उसमें क्या लगाना है उसी हिसाब से मैंने उसको निकाल लिया है और उसी हिसाब से इसको तैयारी कर लेंगे। आप भी अपना जो मन चाहा साइज बनाएं, मैं यहाँ पे जो है कई साइज के बनाने जा रहे हैं, इसमें जो है 10 इंची भी है, 12 इंची भी है, 14 भी है, 18 भी है, 20 इंच भी है। अब हम आपको इसके नीचे का घेरा बनाना बताएंगे। इसको सबको पहले अलग अलग 3 पीस में काट लेंगे, इसके बाद एक पूरा गोलाई से इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको चौकोर हिस्से में काटने के बाद अब इसको जो है मोड़ने पे ये यहीं जिस तरीके से मैंने मोड़ा इसी तरीके से आपको मोड़ना है, इसकी गोलाई बनानी है। गोलाई बना करके अब ये देखिए जहाँ कहीं कम ज़्यादा है इससे आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब इसको हम चारों तरफ से इसको गोल कर लेंगे, गोलाई उतनी बनानी है जितना आपके पास वो पीस है जिसमें जुड़ेगा ये, उससे नाप लें और कितना कटेगा उसी हिसाब से अपना जो है इसकी गोलाई कर लें, छोटा बड़ा कर लें। बड़ा तो हो नहीं सकता है, छोटा ही हो सकता है, तो इस हिसाब से जो है थोड़ा ही थोड़ा काटें जितना आपके नाप में आए। अभी देखिए पूरी तरीके से गोल हम इसको कर लेंगे। अब ये हो गया मेरा एक, अब इसी की नाप से हम सारे काट लेंगे। देख रहे हैं एक मैंने फरमा एक तरीके से बना लिया, अब इसके चाहे जितने पीस होंगे उसी हिसाब से बन जाएंगे जो इस साइज के होंगे, बाकी अलग साइज के आपको फिर से बनाने पड़ेंगे। अगर इसी साइज के आपके बन रहे हैं
तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं, इसी को उठा उठा के काटते रहिए। लेकिन अगर कोई नया साइज बनाते हैं तो उसमें आपको जो है नया फरमा बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से फरमा ना भी बनाए अपना अलग अलग बना ले, लेकिन एक बन जाने के बाद आपको जल्दी जल्दी बन जाता है। अब इसको हम एक निशान लेकर के जिसमें मुझे जोड़ना है उसको एक दफे नाप लेंगे, लेने के बाद ताकि ये क्लियर हो जाए कि मेरा सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर छोटा बड़ा है तो अभी भी जो है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसलिए पहले ही नाप लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब हम इसको जो है सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद जो है सबको पहले आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए जितने अब क्योंकि ज़्यादा है तो मुझे सब पहले जोड़ लेना है, इसलिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि बल्क में हम कैसे जो है ग्रो बैग बना। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में ग्रो बैग कैसे बनाया जा सकता है। बाकी हम आपको ग्रो बैग के बारे में बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि हम अगर ज़्यादा जो है सेम बाजार वाला ग्रो बैग बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। ये वही बाजार वाला कपड़ा है, बस ये रिजेक्ट कपड़ा है, इसको मैंने जो है मंगा लिया है, ये बहुत ही सस्ता पड़ा है, इसलिए मैंने इसको आपको बना करके दिखा दिया है। 200 रुपये में मुझे पूरा मिला, 15x15 का टुकड़ा मिल गया था, उसी से मैंने ये आपको जो है देखिए चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा रुक रुक के मशीन चलाना है इसको बैठाल करके, ताकि ये गुलाई से पूरी अच्छी तरीके से सिल जाए। सिलने के बाद इसको अपना वो कर लीजिए। अगर आपकी घरेलू मशीन है उसमें मशीन की सुई जो है चेंज कर लीजिए, मशीन की सुई 24 नंबर लगा लीजिए, 22 लगा लीजिए, जिसमें आपका वो और उसी हिसाब से धागा लगा लीजिए मोटा, उससे बढ़िया आपको जो है ग्रो बैग सिल जाएगा। ये हम 24 नंबर सुई से जो है सिल रहे हैं, मशीन वही है जो आम कपड़ा सिलती है घरेलू, उसी में ना सुई आप चेंज करेंगे आपके जो है ये ग्रो बैग सिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेशल कोई मशीन आएगी कोई, देखिए सारी मशीन वही है, इसमें स्पेशल कोई मशीन नहीं है जिसमें आपको कोई दिक्कत हो कि ये कैसे सिलेगा कैसे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 22 नंबर से भी सिल जाएगी और जो है 24 से भी सिल जाएगी, लेकिन हम 24 नंबर लगाए हुए, और आप भी इसी तरीके से अपना जो है जो घरेलू मशीन है उसी में सुई चेंज करके इसको सिल सकते हैं। इसमें कोई भी आपको किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं, ये कैसे सिलेगा, ये तो रेक्सिन है, ये ग्रो बैग का है, मोटा कपड़ा होता है, कैसे सिलेगा, ये उसी में बहुत आसानी से सिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल आपको जो है सुई चेंज करनी है और नीचे के बाबिन सेटिंग करनी है, आपका सिलाई वही चालू हो जाएगी। देखिए मैंने सिल दिया, अभी आपका तैयार हो गया है। इसको अब हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे जो है एकदम परफेक्ट गुलाई जो है आई है, उसी तरीके से टाइटनेस भी है। देखिए ये वही जो मार्केट में ग्रो बैग बिकता है उसी का वो है, लेकिन ये ग्रो बैग जो है मुझे सस्ता इसलिए पड़ा है। ये देखिए मैंने जो है कंप्लीट कर लिए, और इसी तरीके से हर साइज का, ये करीब 14 इंची है, 12 इंची भी मैंने तैयार किए हैं, 10 इंची भी तैयार किए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हम आपको दिखाते हैं। देखिए सारे कंप्लीट हैं, और इसमें आप अपने हिसाब से ये देखिए सारे जो है साइजें हमने तैयार की है, पीसे भी हैं, 20 इंची लगे हुए हैं, 14 इंच भी लगे हुए हैं, 10 इंच भी लगे हैं, 12 इंच भी लगे हैं, इसी तरीके से आप भी कंप्लीट करिए और बनाइए।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए आइडिया के साथ। Face, tell me that you love me, even if it's fake.